किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया, धाम दर्शन में लिख के भी आ गया है, दोबारा छपेगा उस पर भी लिखा हुआ आएगा। श्री पद्मावतीपुरी धाम से धर्म उपदेशक ही आ सकता है, और कोई वहां महाराज आचार्य गद्दी वहां है नहीं। श्री कृष्णदास जी महाराज, मैंने तो केवल उनके चरणों में बैठ के सीखना था, समझना था, इसलिए उनको चोली बुलाया। मैं तो वाणी मुनि कुछ जानता नहीं, आपको पता ही है, क्योंकि अगर आपको वाणी पर विश्वास होता तो जो कुछ आप लोगों के ईमान मेरे पीछे हो जाते हैं ना, वो शायद ना होते। श्री नौतनपुरी धाम से जिन्होंने लक्ष्मीदास जी महाराज जो वहां तालीम देते हैं, वहां से तालीम लिए हुए 6 महीने रहकर श्री बालू भाई जी आए, पीडी शर्मा जिन्होंने तालीम ले रखी है वे आए, और उसके बाद
वाणी का ज्ञाता अगर कोई बॉम्बे सर्कल में माना जाता है तो गुलजारी लाल जी सिडाना है, जो हमारे साथ संशोधन में शामिल हैं, उनके हस्ताक्षरों से और बदकिस्मती से हिस्सा थोड़ा सा मिला है। बदकिस्मती से, क्योंकि आप लोगों को शायद हमारी बात अच्छी सुहाई होती, 26 साल से कुछ आंखें खुल गई होती तो मेरे जाने के बाद वापस में आप लोगों का व्यवहार होता है तो मुझे सुनकर दुख नहीं होता, खुशी होती है, क्योंकि मैं अपने को ही धिक्कारता हूं कि अगर तुमने कुछ वाणी सुनाई होती तो शायद इनके दिल को साफ हो जाते। तो सुनाने वाला है, पर भी जब हमें यकीन नहीं और घूम घुमार पे उन पे यकीन आता है जो शुरू से ही आज दिन तक, अब कान खोल के सुनते जाना, टेप जगह जगह सुनाना, वाणी का नाश किया, प्राणा जी के रास्ते को बंद किया, उन पर हमारा यकीन रहा। आ जाओ अब नौतनपुरी से, और सब जरा जिनके कान हैं जो बात पूछी जाए उसका जवाब देना। जब श्री धनदेव चंद जी को तारतम नहीं मिला था, बड़े प्यार के साथ, कोई झगड़े से नहीं या उससे से नहीं, मैं रोज से नहीं बात कर रहा, आप लोग अपने दिल से राजी के सामने जवाब देना, और जिस किसी को कुछ पूछना हो तो बीच नहीं ऊपर आ जाए या टेप के बाद, जब टेप बंद कर दे फिर पूछ लेना, उसका जवाब हरी सभा में मिलेगा। जब उनको तारतम नहीं मिला, राजी के दर्शन नहीं हुए, तो श्रीमद् भागवत सुनने जाते थे। किसके पास, नाम तो पता है, हर साल भी तो होती है तो बोलो, बोलते फिर बोलिए, कान जी भट्ट के पास जाते थे तो ज्यादा ज्ञान भागवत का कान जी को था कि देवचंद जी को। मैं कहता था ये लोग भी सामने आ जाए, कष्ट करेंगे, आप लोग सुन रहे हो ना, तो राजी के दरबार की कसम राजी है, जिनको पता है या नहीं पता बोलो और पूछो ताकि उनसे मिलाओ। आपस का प्रेम जो 26 साल से आप लोगों में है, यदि उसमें दरारें डालनी है तो मैं आज राजी के दरबार में हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं, ना मेरा नाम इश्तिहारों में लिखना, ना मैं आऊंगा, मुझे तुमसे कोई पैसे की गर्ज नहीं, ना मैं आपसे इज्जत हारों से चाहता हूं, फक्त एक प्रेम का भिखारी रहा और वही प्रेम का भिखारी रहूंगा। यदि वो भी आप देने में मेरे जाने के बाद अपनी नफरत की उल्टियां करनी है तो मैं क्षमा चाहता, मेरे पास समय अमृतसर के लिए नहीं, जहां सारी उम्र मैंने गंवा दी। महाराज जी के तन छोड़ने के बाद पहला स्टेशन इलाहाबाद था, उस समय वो महाराज नौतनपुरी वाले, पन्ना जी वाले और गद्दियों वाले कहाँ थे जिन्होंने आके अमृतसर की हालत को देखा नहीं, और आज सींच सींच के आपकी नसों में वाणी, मैंने अपनी इज्जत तो कभी आपसे मांगी, बल्कि आप लोग चाहते भी हो कि इनके गले में हार डाले तो मैंने मना किया, मैं हारों के काबिल ही नहीं। जब आपके दिलों में ये हार थे ना, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे आपके प्यार चाहिए, वो आपके लिए आपके दिलों में मेरे पास नहीं, मेरे लिए नहीं है आपके पास, मुझे और कुछ नहीं, मुझे ये दिखावे के साधन चाहिए आपसे, ना मैं इसका भूखा हूं, ना मैं कभी रहा, और मैंने महाराज से राज्य से मांगता ही नहीं, मुझे संसार शान न देना राज्य महाराज, ये गुमान है, अहंकार है, और यही सत्यानाश करता है। जिनको चाहिए उनके लिए इकट्ठे रखो, योजना बनाना, कमेटी वाले भी सब, उनको कैसे लाया जाए, फिर स्वागत कैसे करना है उनको करना। मैंने कभी ना 26 साल में मना किया, मैं राज्य के सामने बैठा हूं, ना मैं किसी को मना करता हूं। आ जाओ नौतनपुरी चलिए। अब ये पूछना चाहता हूं, और सबको राज्य की कसम देकर, जिनको द्वार आता हो अवश्य बोलेगा, और जिनको आता है नहीं बोलेगा, वो प्राणा जी का दुश्मन अपने आप को समझ ले। तो देवचंद जी उस समय भागवत के गुरु थे कि कांजी भट्ट, ज्यादा ज्ञान कांजी भट्ट को आता था भागवत का कि देवचंद जी को, बोलते चलना, और अपने दिल में ईमान लेके बोलना, ये नहीं कि मेरे पास कुछ
मैं वहां जाऊं तो कुछ। अब देवचंद जी को जब भागवत मिली तो भागवत के द्वारा वो गौलोक का चित्रण करने लगे। बीतक साहब खोलो और पढ़ लो मेरे कहने से। तो चित्रण के द्वारा उनको उस स्वरूप का जो नित वृंदावन में आज अखंड आज भी श्री कृष्ण आज भी है, जब तक परम धाम है तब तक वो श्री कृष्ण ब्रज गोकुल रहेगा, क्योंकि ब्रज और गोकुल की लीला अखंड है, वो कभी भी मिटनी नहीं, आज भी है। पहले नहीं थी, जब राजी वहां गए लीला हुई, वृंदावन बना, लीला अखंड हुई, क्योंकि अक्षर निमान हम लोग परम धाम गए, इच्छा पूरी नहीं हुई, ये ब्रह्मांड बना। देवचंद जी ने खोज करनी शुरू की, क्योंकि पूरा सार तो बीतक से हुआ ना, मूर्ति पूजा भी की, प्राइमरी क्लास जहां से हिंदू धर्म की आस्था शुरू होती, कुछ नहीं मिला छोड़ दिया। उसके बाद सन्यासी बने, सन्यास मत वालों को गुरु धारण किया, अष्टांग योग किया, प्राणायाम किया, योग साधनाएं की, कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ उसको भी छोड़ा। फिर राजा के जो कनकटे गुरु थे उनके पास गए, पंतों के पास गए, विद्वानों के पास गए, मुल्ला के पास भी गए, मन को करार नहीं मिला। परम धाम की श्यामा जी जिस तन में बैठी है ये उनका प्रसंग बीतक साहब से सुना रहा। उसके बाद भोजनगर आए, बहुत सेवा की, क्योंकि वहां जो हरदास जी महाराज थे उनके अंदर सच्चाई प्रेम देखा, सेवा से समर्पण हो गए, समर्पित सेवा से हो गए, तो सेवा से मुक्त होकर हरदास जी ने उनको वैष्णव मत के वल्लभाचार्य मार्ग का पुष्टि मार्ग जो धर्म है जिसमें भागवत सार है उसका उन्होंने मंत्र दिया, भाजमान श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास। उसका पाठ करते करते, चितवन करते करते, एक दिन वो चितवन में उस रूप को चितवन साक्षात नहीं देखा, और उसके बाद हरदास जी से प्रार्थना की कि ये जो मैंने अखंड वृंदावन अखंड वृद्ध चितवन निवारण करना चाहते हो तो भागवत के बिना आपके संशय कोई निवारण नहीं कर सकता, और वो हमारे आचार्य कम जी भट्ट हैं। चले कितने साल चर्चा सुनी, 14 साल चर्चा सुनी, ये भाव लेकर के मैं राधिका रानी हूं, क्योंकि भोजनगर में उनको इसी भाव से हुआ था, और वो बांके बिहारी श्री कृष्ण मेरे पति हैं। भागवत 14 साल सुनते रहे लेकिन बांके बिहारी ने कभी भी साक्षात दर्शन नहीं दिया। जब भागवत के आगे, हाँ भागवत सार है किसका, संसार के सब ग्रंथों में जो कुछ नहीं है वो भागवत में है। क्या नहीं है, वेद है, शास्त्र है, गीता है, पुराण जितने भी हैं वो वैकुंठ निराकार ज्योति स्वरूप और काल निरंजन से आगे का ज्ञान नहीं देते, लेकिन श्रीमद् भागवत जो है वो उससे परे, जहां वेद नहीं गए, जहां शास्त्र नहीं पहुंचे, जहां दुनिया का कोई ज्ञान नहीं गया वहां पहुंचा, जहां हमारी अखंड लीला हो रही है आज भी है। वो क्या है, योग माया का अखंड गोकुल और अखंड ब्रिज जो है वहां तक का सार है। इसलिए स्वामी जी ने सब ग्रंथों का सार श्रीमद् भागवत कहा। अब देवचंद जी उसको 14 साल सिर्फ सुना नहीं, हम तो सुन के एक दिन अमल नहीं ना करते, सुना और सुन करके घर जाते हैं, अपने को राज्य का समझ करके, अपने हाथ से अपने पति का खाना बनाना धर्म समझ कर गोबरी फेरते रहे 14 साल तक। हम तो भोग बाजार से लाते हैं ना, और बड़े परम धाम के झंडे हिलाते हैं, अभी परम धाम का इतना ज्ञान नहीं है देवचंद जी के पास, जिस निजान के हम जय करे बोलते हैं, भोग की भी बारी होगी, हम कौन सवेरे 4 बजे उठू बाजारों ले लो, ये हम हैं परम धाम की आत्मा है। गोबरियां फेरी और इतनी स्वच्छता कर्मकांड को पाला
कि जरा कोई पानी भरने समय परछाई पड़ जाती है तो पानी को गिरा लेते हैं, गर्मी हो सर्दी हो बरसात हो कुछ भी हो, इतनी कठिन समस्या थी। पर भागवत योग माया से आगे का ज्ञान बोलो बोलो क्या करें, अब करें क्या? इसका मतलब ये नहीं है कि भागवत में लिखा कुछ नहीं या ग्रंथों में लिखा कुछ नहीं, जिन जानो शास्त्रों में नहीं, शास्त्रों में है सब कुछ है। पर जीव श्रेष्ठ ना जानती जिनकी अकल है कुछ अक्षराधी कहते, क्यों? क्योंकि उनके पास परम धाम का जागृत बुद्ध का ज्ञान दुनिया में नहीं है। अब चलिए श्याम जी के मंदिर, साक्षात राज जी ने दर्शन दिया और आके अपना नाम पूछा कि क्या मुझे जानते हो, कौन है? श्यामा मरण देवता जी के तन में कौन है बोलो? मेरा कहना न मानो, आपको जो ज्ञान है वाणी में जो लिखा वो पढ़ो। श्यामा जी है साक्षात राज जी है, अगर भागवत हमारी आत्मा जगा सकती है तो भागवत ने देवचंद जी की आत्मा को क्यों नहीं जगाया? क्योंकि आज हम उन पखंडियों के पीछे चल दिए कि उनके पास गर्वियत है, इसलिए जो भागवत देवचंद जी की आत्मा को नहीं जगा सकी, और हम कहेंगे हम भागवत से बदल नहीं बना रहे हैं, हम उनके पीछे दुमड़ी पकड़ के चल रहे हैं। चलो आज के बाद आपको नहीं मना करूंगा, जिनको मर्जी बुलाओ, जिनसे मर्जी कहता सुनो, मैंने कभी बंधन नहीं रखा। मैं हमेशा कहता हूं आपको पूरी स्वतंत्रता है, जिससे कहता सुनना चाहते अपने मंदिर में बुलाइए। मैंने ये कभी नहीं कहा कि मेरे शायद आप किसी को न मंदिर बुलाओ। देवचंद जी की आत्मा क्यों नहीं जगी भागवत से? हम और आप जन्म भी ले रहे सुंदरता जी वो तपस्या मैं नहीं कर सकता जो देवचंद जी ने करके दिखाई, तुम्हें शक्ति है उनकी आत्मा ने जगी। सामने अक्षर जी खड़े हैं, पहचान नहीं सके, ये दिया भागवत। अगर इसे आप ऊंचा खींचते हैं आपको तो आप पीछे रहना चाहते हैं, तो मैं तो नहीं कहता तो पीछे ना जाओ, पीछे खूब जाओ जहां जाने जाए। तो मैं से कहीं जो है वैष्णव मत जाते हैं, वैष्णो देवी जानते, मैंने कभी आपको नहीं मना किया। यहां बैठे हुए सुंदरता आते हैं जो वैष्णो देवी जाते हैं, जाइए। यहां बैठे हुए की मथुरा वृंदावन इसमें जाती, जबकि हर एक को पता थे पहले ब्रह्मांड में राज्य आए थे, इसमें नहीं आए, फिर भी जाते हैं, जाए, मैंने कभी मना नहीं किया। कई हरिद्वार में गंगा के दर्शन करने भी जाते हैं, जाइए, मैंने मना नहीं किया। अब आप आज की तरह की नोट कर लो, जिस भी महाराज को बुलाना चाहते हो बुलाओ, मैं मना करो तो मैं राज्य के दरबार का बनाता, मैं नहीं मना, अब बुलाओ। फिर चर्चा सुन के तुलना करो कि हमें मिला क्या है और देने वाले क्या देते हैं, तब जरा दिमाग भी आप लोगों का खुले। देवचंद जी से राज्य पूछते हैं तो इतना उत्तर तो दे दिया कि जी मेरा मन कहता है कि आप मेरे खामद हैं। क्या लगे? अच्छा, अगर मैं खामद हूं तो मेरी पत्नी है तो बता घर कहाँ है, खोलो भागवत, क्या बीतक घर खोलो। क्या देवचंद जी उत्तर दे सके? ना धनी की पहचान हुई ना अपने घर की पहचान हुई, ये दिया भागवत ने। चलिए हो गया वो प्रसंग, आगे नहीं छेड़ना। राजी अंदर बैठ गए, देवचंद जी ने गांग जी भाई पहला सुंदर साथ जगाया भागवत से कि वाणी से? बोलो बोलो सर, मुंह से बोलो, जाग सुनाई, बोलो बोलो मुंह से बोलो, जाग सुनाई की बात नहीं, जो आज नहीं बोलेगा वो उस राज्य में राज का प्राण आपका गुनागार है मेरा। देवचंद जी ने जो आत्मा को जगाना शुरू किया भागवत से जगाया या कि इस वाणी से, तारतम की वाणी से? बोलो, जब सुनाई पार की बाण तब धनी की हुई पहचान। उस देवचंद्र को जो उनके साथ मिल करके भागवत सुनते थे, को फैलो थे, इकट्ठे साथी थे, जब पार की बाण सुनी तो क्या पहचाना? तब जान के धाम का धनी। उस देवचंद्र को साथी नहीं समझा कि मेरे साथ भागवत सुनता है, नहीं, इसके अंदर अक्षातीत बैठे, सीधा अपने घर ले गए। कहां? गांधी भाई के घर, जिसको चाकला मंदिर कहते हैं। आज वहां प्रणामियों की कोई गद्दी नहीं,
जाओ नौतमपुरी देख के आओ, चिट्ठियां तो लिखते हो कि आप वहां के लिए किराया नहीं तुम्हारे पास, जाओ देख के आओ। अब वाणी का जब प्रचार शुरू हुआ, मराय ठाकुर नाम का एक लड़का और गोवर्धन ठाकुर, केशव ठाकुर के दो लड़के हैं, गांधी भाई के घर चर्चा सुनने आते हैं। कैसे आए वो प्रसंग भी तक के दिनों में, यदि सुनने की ताकत हो तो बुला ले। कई सुंदर था उसने मंदिर रखा ही चर्चा और हमने मंदिर आनी, क्योंकि हम ही फालतू फंड के हैं कि जब तुम्हारे पास सुनने का टाइम ही चर्चा रखवाते क्यों गया। अब जब कीमत होगी चर्चा की तभी चर्चा सुनने को मिलेगी, नहीं तो अभियान के साथ दोनों आए, तारतम लिया। आतन थी एक के अंदर गुणवंती बाई की और एक के अंदर इंद्रावती की, आत्मा जागृत हो गई। घर में बड़े भाई से क्लेश हो गया, शाम उससे सामरिया ठाकुर से लड़ने मारने तक तलवारें निकला। केशव ठाकुर को पता चला अब हमारी जो चर्चा यहाँ होती है, सुंदर साहब को ही तो पता है कि सारे अमृतसर को पता है इनके घर यहाँ हमारे शहर में अक्षय तृतीया की चर्चा हो रही, क्या किसी को पता है। इसी तरह से जामनगर में जो आत्माएं थी गांधी भाई के घर आते थे उनको थोड़ा पता था, बाकी दुनिया को क्या पता भाई इनके पास कौन सा गया है। अब पिताजी कहते हैं कि देखो बेटा फैसला क्या किया कि तुम जिस गुरु के से चर्चा सुनने जाते हो, तुम्हारे गुरु ने किससे चर्चा सुनी है, बोलो बोलो सारे बोलो, चुप क्यों, गांधी भर से। तो गुरु के पास भाई ज्ञान ज्यादा होता है कि चेले के, गुरु बोलो चुप क्यों, ये भी कुछ सवाल है, गुरु के पास ज्ञान ज्यादा होता है कि चेले के पास, गुरु के पास बोलो, ऐसे नहीं ना बात, ज्ञान गुरु के पास ज्यादा है कि चेले के पास, गुरु के पास। भागवत के हिसाब से दुनिया की नजर में गुरु गांधी बाटे कि गुरु देवचंद्र है, गुरु फिर ज्ञान किसके पास ज्यादा होना चाहिए। इसलिए जो है उनके पिता श्री जी ने कहा कि बेटा तुमने ज्ञान ही तो लेना है, तो जिससे तो तुम ज्ञान सुनना चाहते हो उनके मैं गुरु के पास तुम्हें भेज रहा हूँ कांजी के पास, क्योंकि सांवरिया ठाकुर बड़ा लड़का है, उसको भी कुछ करना है और बच्चों को ज्ञान भी देना है। इसलिए सांवरिया ठाकुर ने क्या कहा था कि जिस गुरु से तुम ज्ञान सुनते हो कल से नहीं जाना, नहीं तो तुम्हारे गुरु को मैं शहर से निकाल दूंगा। इसी चीज पर तलवारें उठाएं, हम तो बैठ के साथ निंदा करते हैं, चस्के लेते हैं, छुप छुप के पार्टियां मनाते हैं, पड़ो भी तो क्या करती है। इतना ही बड़े भाई ने सिर्फ कह दिया था कि जिस गुरु से तुम चर्चा सुनते हो, जिसके घर चर्चा होती है, मैं अपने पिताजी को कह के निकाल दूंगा, क्यों चीफ मिनिस्टर थे, इसलिए उन्होंने कह दिया मेरे पिता चीफ मिनिस्टर है, मैं निकलवा दूंगा, निकलवा सकते थे। अब पिता ने बात सुनी, क्या लगे एक गौतम ठाकुर मैं राय ठाकुर कल से वहां चर्चा सुनने नहीं जाना, बड़े बेटे का मान रख दिया, तुम ज्ञान वहां से सुनो, क्योंकि तुम तो ज्यादा ज्ञान सुनना चाहते हो, तो ज्यादा ज्ञान चेले के पास होता है कि गुरु के पास, तो गुरु कौन है, कांजी भट्टी। अब इनको क्या हम कहां का ज्ञान मिला, दुनिया का कि परम धाम का, बोलो सुंदर सर। इसलिए मेरा ठाकुर गोवर्धन ठाकुर छाती ठोक के कहते हैं पिताश्री मंजूर है, लेकिन जिस गुरु के पास हमें ज्ञान आप सुनाना चाहते हैं, यदि वो हमारे प्रश्नों का उत्तर ना दे सका, कहते तो वे मेरी तरफ से चुप, चलो। दोनों भाइयों को लेके बच्चों को केशव ठाकुर जी वहां पहुंच गए, जा करके वो कांजी भट्ट ने देखा कि हो आज चीफ मिनिस्टर साहब स्टेट के मालक आए हैं, बड़ा स्वागत किया, बैठाया, क्या सेवा है। कहने लगे देखो कांजी भट्ट, मेरे लड़के भागवत से ही आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन इनकी बातें जरा चित्त देकर के सुनना और हो से कर देना। चार प्रश्न किए गए, शॉर्ट में बता रहा हूं, लोक कितने, तत्व कितने, गुण कितने हैं और प्रलय कितने प्रकार की है। उन्होंने उत्तर दे दिया 14वें लोक से 15वां लोक नहीं, और पांचों तत्व से छठा तत्व नहीं, और तीन गुण से चौथा गुण नहीं, और महाप्रलय में 14 लोक पांच तत्व तीन गुण का सारे ब्रह्मांड का लय होता है। नोट कर लो, भागवत में जाके पढ़ लो, 12वां स्कंद दूसरे अध्याय में चार प्रकार की प्रलय का वर्णन आता है। जब हम बताते हैं नोट करो भाई, जाके पढ़ो। जब महाप्रलय होती तो पाताल से लेके वैकुंठ
ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवा आदि नयन ज्योतिष रूप काल रंजन अष्टवर्ण सात शून्य प्रकृति पुरुष तत्पर रहे। अब उन्होंने दोनों भाइयों ने उनसे पूछा, महाराज जब महाप्रलय हो जाएगी तो अगर पार ब्रह्म तो वो है जो कभी भी मरता नहीं है, तो फिर वो कौन से तत्व का उस समय रूप धारण कहता है और उसका ठिकाना कहाँ है। कांजीवर कहते हैं खीर सागर में एक बड़ का पेड़ है, उसके पत्ते पर अंगूठी जितना रूप धारण करके आके विराजते हैं, ये भी श्रीमद् भागवत में लिखा है। ठीक, क्या लगे महाराज ये बताओ खीर सागर जो है वो 14 लोक के अंदर है कि 15वें लोक में है कोई? कहते हैं नहीं, वो तो उसमें है। तो कह रहे महाराज आपने तो कहा महाप्रलय में सब लय हो जाएगा, तो फिर वो ही नहीं बचेगा तो तुम्हारा परमात्मा कहां बचेगा? खोलो अभी भीतर सब खोलो ना, पढ़ो उसको, ना पढ़ना ना सुनना ना विचारना, गुप गुप बैठ के जो है टोलियां बनना, ये सुंदर साहब का काम है। ये ब्रह्म सृष्टि की रीत नहीं है, ये जीव सृष्टि की रीत है जो आप लोग करते हैं। क्या दिया जवाब उसने? तब भाटकी बोलो बोलो तब भाटकी उसका दूर के। अब जो ज्ञान ग्रंथों में कहा नहीं सुंदरता थी, तो ये मतलब नहीं है कि वो गुरुओं का दोष है या ब्रह्म विष्णु महेश का दोष है, आया ही नहीं था। इसलिए कहा था अभावी नव भविष्यन्ति के कलयुग में एक अनहोनी बात होगी दुनिया वालों कि वो पारब्रह्म जो कभी दुनिया में ना आए थे ना आएंगे कभी, और वो अपनी आत्माओं के साथ में चलेंगे, वो अपने परम धाम का ज्ञान बताएंगे। उससे पहले पारब्रह्म को क्या कहते थे? शब्दा बोलो बोलो तीत अक्षर तीत, कोई शब्द नहीं वहां लगता, कोई अक्षर वहां नहीं लगता, ध्यान देना। तब क्या कहा भट्ट ने कि हे महामंत्री साहब ये तो आप मेरे से पूछ रहे हैं, अगर ब्रह्मा जी भी वैकुंठ से आ जाएं तो इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते। हमारे और आप तरह के वो साथी थे मेरा ठाकुर, उस समय प्राणनाथ नहीं बने थे। प्राणनाथ परम धाम में एक है, हजार नहीं, और वो एक ही तन में बैठ के काम करेगा, 6 तनों में प्राणनाथ नहीं बने, और वो भी भीतर सामने आता है। जब देवचंद मेरा ठाकुर ने कसनी करनी शुरू की थी और मरने की नौबत आ गई थी, तब देवचंद जी ने बुला करके पूछा था कि क्या है तेरे मन में कि तुम देखत हो मैं क्या? तब सब कि ऐ मेरा ठाकुर ये मैंने तुझे पहले बता दिया कि जब तक मेरा तन है तब तक ये काम मेरे से होगा, जब मेरा काम हट जाएगा तब राजी तेरे अंदर बैठेंगे और सारा काम मेरे से भी ज्यादा तेरे से होगा, बिगड़ मिलेगा। आई अब उसके बाद आगे चले जाओ नाम, अब फिर आता है जी फिर कृष्ण नाम तातम में क्यों है? आओ तातम की पहली चौपाई शुरू होती है निज नाम श्री कृष्ण, लेकिन आगे जो शब्द है वो हम कभी इस्तेमाल करते नहीं, क्योंकि कृष्ण इस दुनिया में कितने ही हैं, एक कृष्ण नहीं, एक कृष्ण वैकुंठ का और दूसरा है बहुलोक, फिर वैकुंठ को आज मानो 10 धर्म की शाखाएं हिंदुओं की हैं। गीता वाले किसको मानते हैं बोलो? कृष्ण को। भागवत वाले किसको मानते हैं? कृष्ण को। पुष्टि मार्ग वाले किसको मानते हैं? कृष्ण को। स्वाध्याय वाले किसको मानते हैं? कृष्ण को। योगेश्वर वाले किसको मानते हैं? कृष्ण को। और हम भी कहते हैं कि हम खाली किसको मानते हैं? कृष्ण को। तो फिर वो क्या कहते हैं? फिर थोड़े थोड़े धर्म तरक्की उसी कृष्ण को मानते हो, उसी कृष्ण को मानते। आगे हमारे पास जवाब नहीं होता कि हम कृष्ण अनादि अक्षरा दीप को मानते हैं, और अब आए निज नाम श्री कृष्ण अनादि अक्षरा दीप। आखिरी चरण क्या है? भरतार कौन है? नाम तो उड़ा दिया, क्योंकि आप लोगों ने वाणी मंथन तो करनी नहीं, शरीर को लग गई है, जिसके बदले में अपने मांग के बदले में हम राज्य को भी पीछे फेंक देते हैं, अपनी शान रह जाए हमारी हम सबको तोड़ देते हैं,
ये मैं ही ने राजीव राय ने कहा था कि वहां जब जाओगे ऐसा तुम्हें तन मिलेगा, ऐसी तुम्हारी बुद्धि होगी, ऐसे तुम्हारे बंधन वहां के होंगे कि मैं तुम्हें समझाऊंगा फिर भी तुम समझोगे, समझाइया समझाने। ये थी वो बातें। अब शुरू से आइए जो भाई सुनिए और उस पर विचार करेंगे सब मिलकर। यो कई दिखाई माया, हम तो कहते हैं ना एक ही माया, पढ़ो क्या लिखा है। यो कई दिखाई माया और कई विध करी पहचान। पहले आ जाओ कहाँ है ब्रिज में माया दिखाई, जो ब्रिज में माया दिखाई वो रास में नहीं दिखाई, जो रास में दिखाई वो देवचंद जी के समय में नहीं दिखाई, जो देवचंद जी के समय में दिखाई वो स्वामी जी के तन से नहीं दिखाई, जो स्वामी जी के समय में दिखाई वो बाद में नहीं दिखाई, जो बाद में दिखाई सो अब नहीं दिखाई, जो अब दिखा रहे थे वो महापर्दे के समय में देखने को नहीं मिली। इतनी जो है तरह की माया दिखाई और हर वक्त एक ही मंजिल। मंजिल किसको कहते हैं? लक्ष्य को। मंजिल किसको कहते हैं? लक्ष्य को, मुद्दा को। हमारा रूप क्या है? आइए ब्रिज में माया दिखाई। कैसी दिखाई? कि खुद कुछ बन गए, हमें कुछ बना दिए। ध्यान के साथ सुंदर शादी शुरू से चली। हमें कैसे तन दे दिए? बोलिए, किशोर तन दे दी ब्रिज की, जितनी वधु गोपियां थी कुआरी कन्याएं उनमें परम धाम की आत्मा को युवान तन। जैसे परम धाम में हमारे किशोर तन थे, परम धाम में कोई भी सखी कोई भी आत्मा का तन जो है, या राज्य का, श्यामा जी का, अक्षर ब्रह्म का, पशु पक्षी जानवर जितने भी हैं, कोई भी ना बाल है ना बुरा है। यदादित्यम किशोर अन्न, किशोर स्वरूप है परम धाम में श्री राज्य का, श्यामा जी का, आत्माओं का, अक्षर ब्रह्म का, पशु पक्षी जानवर जो कुछ भी परम धाम में है, किशोर रूप सुंदर रूप अनूप है, वहां परम धाम का अखंड है, अनादि है, चेतन है, वो जड़ नहीं है, कोई वस्तु वहां की जड़ नहीं। इसलिए आप जब यहां आए तो राजीव राय ने हमारी आत्माओं को ब्रिज में पहले कहां डाल दिया? किशोर तन में। और खुद कौन सा तन लेके बैठ गए? काके का, एक काका बन के बैठ गए। ये होगी माया शुरू। इसी में हमको उन्होंने भुला देना है। पहले दिन जब गए थे बधाइयां लेके, काका बोलता भी नहीं था, राज्य उस तन से बोल भी नहीं सकते थे, केवल रोने की आवाज से ही पहचान लिया कि ये हमारे धाम के उठाओ श्रीमद भागवत। अब जिस ग्रंथ का जहां प्रमाण होगा तो उसका प्रमाण दिया जाएगा कि भई ये सारी लीला उस समय वाणी तो थी नहीं, तो कहां से हमें प्रमाण चले? उठाओ, जिस समय गोपियों ने आंखों से आंख अंदर तेज जो श्री राजी का था और हमारे तनों में तेज परम धाम का था उससे पहचाना, तो गोपियों ने किसको उठाया? हाय पिया। और ये है माया और ये है हमारी मंजिल, कि माया के अंदर भी हमने पहचान लिया कि हमारे पिया धनी हैं पहले दिन। और 11 साल ही जब माया ने रखड़ पट्टी की, हमारे ब्याह हो गए, कुटुंब कबीलों में फंस गए, घर परिवार हो गए, लोक लाज आ गई, मान शान आ गई, गले मोहल्ले की इज्जत हो गई, दुनिया इतनी सी तुरना मरना थोड़ा है, ये माया पीछे लग गई। तो फक्त 11 साल के अंदर ही उसी राज्य में राय को जिनको पिया कह के पुकारा था, क्या कहा? ये मंजिल बदली, दिखाई माया कि हमने कहा था नहीं भूलेंगे, और 11 साल में क्या कह दिया कि आप निर्लज बोलो, बेशर्म बेशर्म हो, तुम कामी पुरुष हो, और हम बोलो कुलवंती नहीं। ये है माया, ये है मंजिल। उस समय ये सुध नहीं थी कि हमारा घर परम धाम है और ये हमारे राज्य महाराज है। केवल उनके अंदर जो अक्षरतीत की शक्ति थी वो हमें खींचती थी, लेकिन पता नहीं लगता था। जैसे कई बार क्या होता है कि अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ होता है लेकिन पता नहीं लगता क्या होता है, खिंचावट पड़ती है पर पता नहीं, रोता भी है आदमी उसको याद करके और कहता भी है पता नहीं अंदर क्या होता है, कुछ होता है पर पता नहीं चलता क्या होता है। ये है राजीव राय की जो पहली ब्रिज की लीला थी। क्यों?
तातम थाने वाली थी नहीं, कुछ पहचान नहीं थी, पर बांसुरी बजती थी, उनकी सुरीली आवाज हमारे कानों में पड़ती थी, हमारे प्राण खींच के ले जाती थी, और नहीं भी जाना चाहते थे फिर भी भागा करते थे। 11 साल में राज्य महाराज ने इतनी माया टाइट कर दी, पास रह रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पता ही है कि हमारे पति है, धाम धनी है, सब कुछ है, लेकिन शुद्ध कुछ नहीं। इतना माया के अंदर 11 साल का लेप चढ़ा दिया सुंदर साहब जी, ऐसे कठु वचन कह दिए जो अब सोचते हैं कभी दिल में एकांत बैठ के सोचो, जब राज्य महाराज के सामने परम धाम में अब उठ के खड़े होंगे और ब्रज की लीला शुरू होगी, और राजी ये याद दिलाएंगे तुमने 11 साल के अंदर ही मुझे कहा था बेशर्म हो, किसको? अक्षर से किसने कहलवा दिया, बोलो किसने कहलवाया? माया ने। माया का पर्दा ऐसे अंधकार सामने चढ़ गया, मत्थे पे चर्बी चढ़ गई, कह दिया ठीक। अब राजी तो नहीं भूल सकते कि वो भी हमें भूल के छोड़ के चले जाए, जब उन्होंने देखा कि भाई ठीक है ये तो मैंने करवाना ही था, इनसे गालियां खाने के लिए तो खेल मंगवाया कि ये बड़े गालियां निकाले खेल में जाके, निकाली गालियां वहां पे, इससे बड़ी गाली और क्या होती है किसी आदमी को सामने कह देना तू बेशर्म है, बेहया है, तू कामी है, बदमाश है जिसको हम लोग कहते हैं कुल्लू कुल्ला, और उसके बाद तू पारपुरुष है। राजी कौन बन गए? पारपुरुष बन गए, और हम कौन बन गए? कुलवंती नारी हमारे पतिदेव, हमारे हम मतलब कुलवंती नारी हम ऊंचे, और राजी महाराज बोलो बोलो अपने दिल से पूछो करो अर्थ इसके, कामी क्रोधी तुम लालची हो, तुम बदमाश हो, तुम्हें कोई शब्द नहीं है, तुम निर्वज हो, तुम पर पुरुष हो, इससे नीच शब्द बोलो दुनिया में क्या आया होता है। वो राजी को कहे सहे कि नहीं सहे राजी महाराज, ये कहे ये माया दिखाई, यू कई विध दिखाई माया, कई दिखाई माया, एक माया नहीं दिखाई, कई दिखाई माया और कई विध करी पहचान, जो पहचान हमने पहले दिन की थी क्या 11 साल के बाद वो पहचान हमारी रही, पहचान भी बदल गई, माया ने हमारे ऐसा पर्दा डाल दिया जिसको पहले दिन बधाइयां लेके गए थे, हालांकि जा नहीं सकते थे, कुआरी कन्या श्रृंगार नहीं बदल सकती है, बदले कि हमारे काम ना थे, हमें किस बात की शर्म, हमारे आतंक के धनिए हम किन से डर के जाए, ये चीज थी जो उनको कह दिया क्योंकि दुनिया लगी, हमारे पति हमारी पत्नियां राजीवेश्वर वो सुंदर था, सोचू राजी तो अपना प्यार भी देंगे, लीला भी करेंगे, वाणी भी देंगे, निज घर की सुध भी देंगे, लेकिन क्या अक्षर चीत यहां नरक भोगने के लिए, विचार कर आज वाणी से विचार कर, क्या पार ब्रह्म अक्षातीत यहां नर्क भोगने के लिए आए थे हमारा, लेकिन हमारे पास दुनिया की अकल थी इसलिए कह दिया तुम बेशर्म हो, तुम कामी हो और निर्लज हो, हम कुलवंते नारे सहित हमारे खानदान की इज्जत है, निर्वाण करने किया। कहा कि भाई ठीक, एक झटका देना था, इन्होंने कहा कि नहीं भूलेंगे, आप जाई बांसुरी कहां जाके, अखंड वृंदावन, और तन कौन सा धारण किया, अखंड, पहले वाला तन खत्म हो गया, जब महापरले हुई तन सारे खत्म हो गए, और राजी महाराज अक्षत की आत्म जो अंदर बैठी थी उसको लेके नया तन धारण किया, और सुंदर साजी पड़ोवाणी, क्योंकि ये शब्द कहां से हम निवारण करेंगे, वाकई सच्ची बात है, अखुल रास का ग्रंथ जहां से शुरू होती है, पहलो श्रृंगार की धो मारे वालैया लीजो ते नटवर भेष, अब रास में जब गए तो जैसे नाटक करने वाले नहीं आते, रस्सा बंध के देव डमरू बजाने से हिठाते एक जना ऊपर रस्सी दे चढ़ के, ये नट कहते नटवर भेष कहते, तो भेष कौन सा जाया, सूथनी पहली पटोली पहली, ब्रिज में ऐसा रूप नहीं था, परम धाम में नहीं था, एक अद्भुत रूप धारण कर लिया और बांसुरी बजाई, किसको बुलाया, हमारे तनों को, के तनों का एकदम काम से सके भाजी, तनों को छोड़ के आत्माएं जब यहां से अब चलेंगी तो तन हमारे साथ कोई नहीं जाएगा, ये करके पहले बताया ताकि हमें पहचान होती रहे, और आज हम मर किसके लिए हैं, तनों की शान के लिए, तनों की इज्जत के लिए। अरे राज्य की बात एक बात जाहिर हो जा,
पता चल जाए, आंखों से पढ़ लें और उसके बाद फिर सोच विचार, अरे वाह भाई वाह। जब राजीव राज की वाणी सामने पड़ी फिर उसके बाद सोचना क्या और समझने क्या, फिर नहीं, बस जो राज्य का हुक्म है ये राज्य का स्वरूप है, स्वरूप साहब इनको मानते, फिर उस पर सोच और विचार किस बात का, फिर किसी की राय किसकी और किसी की अकल एकदम निर्णय। तब तक सुंदर सा जी यही कारण है कि आज हमारी उम्र बीतती चली जाती है और हमारा ईमान क्यों नहीं बदलता, क्योंकि हम वाणी को पढ़ते नहीं, हम वाणी को मथन नहीं करते, नहीं तो किसी से पूछने की भला बात क्या है। घर घर में सिर उठा रहे हैं, बैठिए पढ़िए और मथन करिए, फिर आइए रास के अंदर भी मजल बदल गई, क्योंकि रास के अंदर वो जो स्वरूप देखा तो हमारे दिल में ब्रेहा का दुख था। अब जिस जगह पर रास है वहां पर जैसे यहां तत्व है वैसा नहीं, योग माया का तत्व जो है अखंड तत्व है, जिस तत्व का नाम ही कृष्ण तत्व है, और वहां पर जो चीज बनी है उसका कभी भी नाश हो सकता ही नहीं। राजी ने जो तन धारण किया था वो आज भी वहां वृंदावन में बांसुरी बजा रहा है और अखंड रास हो रही है। किनके साथ? हमारे तनों के साथ। हमारी आत्मा वहां से परम धाम चली गई रास की लीला खेलने के बाद। जब श्री कृष्ण राज जी महाराज ने पूछा कि कैसा लगा वृंदावन, सारी महिमा तो गई लेकिन बीच में जो अंतर ध्यान का दुख हुआ था, जो जुदाई हुई थी, वो वहां सहन नहीं हुई और कह दिया राज जी महाराज वृंदावन तो बस शब्द ही कोनी कि हम क्या महिमा गाएं, पर अग्नि के समान हमें यहां नहीं रहना, वहां ले चलो जहां आपसे हम कभी भी जुदा ना हो। तो कहां पहुंचे? परम धाम। कौन पहुंचा? हमारे तन नहीं। परम धाम से क्या आया था? आत्माएं आई थी, आत्माएं ही वापस गई, और अक्षर ने कहा था मुझे ये लीला अखंड कर दो। अक्षर ब्रह्म आज भी उन तनों की लीला देख रहा है जिस तन में ना तो राजी है ना श्यामा जी है और ना हम। परम धाम गए, बदल गई माया भी, बदल गई और मंजिल भी बदल गई। फिर परम धाम चले गए, वहां जाके फिर जब वो देखा तो वही बात हमने फिर ठोक दी। राजी महाराज वाह, आप तो कहते थे हमारा इश्क बड़ा, आपका काय का इश्क? इतना बयस रबद करने के बाद एक आपसे खेल माया का मांगा था, वो भी ब्रिज गांव की छोटी सी दिखाई पर वापस ले आयो आपने जो बढ़िया बढ़िया चीजें, तो कहती थी आपस में लड़ा करोगे, वो ब्रिज में लड़े नहीं। यो जो कुछ भी कचड़ा अब देख रहे हैं, अब कहां तक इस माया का वर्णन किया जाए, वो ब्रिज में देखा नहीं था। अब उसकी लालसा बनी रहेगी कि राजी ने जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो हमसे छुपा ली, और एक छोटा सा जो है ब्रिज गांवड़ी दिखा दी है, तो क्या हम भरे राजी महाराज, क्या कर लिया आपकी माया ने? आप बंसरी बजाते थे, हम जमुना तट पे चले जाते, आप तो कहते थे वहां जाके भूल जाओगे, आप तो कहते थे आग पानी पत्थर देवी देवताओं की पूजा करोगे, वो तो हमने की नहीं, और इसलिए जो है बड़ी बड़ी चीज आपने दिखा ली, हमने मतलब फिर सारी याद दिला दिला के हमने वो खेल फिर मांग लिया। अब अक्षा थी थे, या तो उनकी अकल किसी के पास होती फिर तो सोच लेते भी अब ये कौन सा खेल हमको खिलाएंगे। ऐसा खेल खिलाया कि एक से एक नहीं मिलने दिया, पहले ही कह दिया था अब जुदा जुदा गांव होंगे, जुदा जुदा नगर होगा, जुदा जुदा तुम्हारे धर्म होंगे, जुदा जुदा तुम्हारा परमात्मा होगा, पर उन्होंने कहा राजी महाराज तुम कभी नहीं भूल सकते, आखिरी शब्द क्या रहा, अच्छा रहो जाओ लेकिन ये ना भूल जाना कि फक्त मैं ही तुम्हारा आमंद परमात्मा हूं, अलस्तो बेरब को, बस एक बात याद रखना फिर तुम्हारी जीत रहेगी। राजीव फिर भी खेल हमें दिखा रहे हैं और जिताना हमें ही चाहते हैं, लेकिन हम हारना ही चाहते हैं, सुध आने के बाद भी अकड़ में अहम होना चाहिए। अरे इसके सामने बोल रहे हो, एक किताब ना समझ लेना, बस यही हमारी भूल है। अगर ये खाली किताब है, आरती किताब की करते हो, भोग किसको लगाते हो, और फिर जब समझ की बात ही आती है तो उसके बाद इसके सामने बोलने की जरूरत करते हैं, ये कौन है, किसकी कलम है, किसके दुआ की वाणी है, मैं देई कुलजम तुमको, मैं देई कुलजम तुमको और किया सबों व्रत,
चबई बोलो तो समझ आए ना, तब तो बैठ के आदमी सोचे भी हैं, इतना ऊंचा हमारे पास ज्ञान है। मैं दे ही कुलजम तुमको और किया सबों गरक, पढ़ो मेरे कलाम को तो मिटे तुम्हारा शक। जब हम पढ़ेंगे नहीं, शक कहां से मिटेगा। आप फिर देवचंद जी के समय में आ जाइए, शुरू से ही कहां श्यामा रानी सुभान सुंदर साजी, दिल में कलेजे में छुरे लगते हैं जब ये बातें दिल में आते हैं। वो श्यामा महारानी जिनके लिए हर वक्त सुखपाल प्यार है, मत्तु मेहता मारवाड़ देश में के घर पैदा हुआ, देवचंद जी का तन हुआ उसमें आके आत्म बैठ गए। 11 साल तक बालपना बीता, उसके बाद में दिल में जो आत्म है चिड़गारी तो लगी, चले खोज करने, कहां पहले डाला मूर्तियों की पूजा करवाई उनसे क्षमा से, क्यों, ताकि आने वाला सुंदर साथ जब ये वाणी सुनेगा तो वो अपने ईमान से गिर करके इन चीजों की पूजा करने ना जाए। कई कसौटी करी दुल्हन सो भी वास्ते हम से, जैसे आज हम माँ बाप हैं, संकट उठा रहे हैं, गोडे तोड़वा रहे हैं, मर रहे हैं, किन के लिए, बच्चों के लिए कि अपने लिए, बोलिए। सब गृहस्थी लोग बैठे हुए हैं, किस लिए माँ बाप संकट उठाते हैं, भाई बच्चे तो सुखी हो जाएंगे, चलो हम तो जैसे हैं, हमने तो जैसे जीवन काटा तो काटा, बच्चों के 4 दिन शाम से बीतेंगे, इसी तरह से क्षमा मनाने जिसे कसनी करवाई और अभी तक में लिखवाया, ताकि आने वाला सुंदर साथ इन भ्रमित चीजों में जिसका करने से हमको पार ब्रह्म की पहचान नहीं हो सकती, वो सारी मंजिलें, पहले मूर्ति पूजा की मंजिल, फिर सन्यास मत की मंजिल, फिर गोरखनाथ के चेलों कन फटों के पास भी गए, हर धर्मों के पंडितों विद्वानों के पास गए, मुल्ला काजियों के पास भी गए, श्रीमद् भागवत को भी 14 साल सुना, ताकि आने वाले सुंदर साथ को पता चल जाए इन सब ग्रंथों के पढ़ने से, मथन करने से, मूर्ति पूजा करने से, देवियों के मंदिरों में जाने से राज्य की पहचान होनी, ये है उनकी भीतर। और फिर किस चीज ने धनी की पहचान कराई, साक्षात राजी सामने खड़े, अब फिर नई मंजिल बदली और लेके आए आवेश रूप सामने राजी और श्यामा जी हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। पिया जी तुम होते सी की तुम्हें।